जय स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों, मजे में तो हो ना? श्री स्वामीनारायण विद्यासागर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे। अगले तास में हमने एकम 4 कथनी और करनी, जिस एकम का हमने आधा अभ्यास किया था और अधूरा छोड़ दिया था, तो बच्चों आज हम कथनी और करनी एकम का आधा अभ्यास है वो आज हम करेंगे। बच्चों, अगले तास में हमने देखा कि फूल तोड़ने की मनाही करने वाला इंसान खुद ब खुद फूल तोड़ता है। धूम्रपान न करने की सूचना देने वाला व्यक्ति खुद ब खुद धूम्रपान करता है। इस तरह उनकी कथनी और करनी अलग है। अब हम अगले दृष्टांत के द्वारा इस पाठ का अभ्यास करेंगे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति है, वो दुकान पर जाता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। एक व्यक्ति है, वो दुकान पर गया और वह अपना स्कूटर है वो खड़ा करने ही वाला था कि दुकानदार ने उसे कहा कि आप अपना स्कूटर है वह वाहन पार्क करने की जगह है वहां सामने करके आओ, यहाँ बीच में मत रखो, क्योंकि आते जाते सभी लोगों को वह परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए आप बीचों बीच अपना वाहन है वो मत रखे और सामने वाहन पार्क करने की जगह है वहां पर रख के आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। सज्जन इंसान था, उसने कहा, भले इंसान ने, कि मैं तो अपना सामान लेकर तुरंत ही चला जाऊंगा, मुझे देरी नहीं होगी, इसलिए मुझे आप यहाँ पर अपना स्कूटर है वो रखने दे, मैं तुरंत ही चला जाऊंगा, दुकानदार बोला। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात है? दुकानदार कहता है कि बीचों बीच सड़क के बीचों बीच दुकान के सामने ऐसे स्कूटर रखोगे तो आते जाते लोग है उसे परेशानी उठानी पड़ेगी, तो ये कोई ठीक बात है? सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया। सज्जन है, उसने दुकानदार की बात है वो मान ली और अपना स्कूटर है वो स्कूटर खड़ा रखने की जगह होती है जहाँ पार्किंग होता है वहाँ रखाया और वापस आकर सामान खरीदने लगा, और वापस आकर दुकान में से सामान जो उसकी जरूरत थी वो खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का है, वह अपना सामान खरीद रहा था सज्जन इंसान। तब एक स्कूटर लेकर एक लड़का है वह दुकान पर आता है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। वह अपना स्कूटर है वो दुकान के सामने खड़ा रखकर दुकान के अंदर चला जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तब वो सज्जन है जिसको बोला गया था कि आप वाहन खड़ा करने की जगह है वहां अपना स्कूटर है वो रख के आओ, उस इंसान ने दुकानदार से कहा कि आपने मुझे तो कहा था कि आप वाहन पार्क करने की जगह पर अपना वाहन है वो रख के आओ, पर आपने इस लड़के को तो मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। दुकानदार ने कहा कि मैं उसे मना क्यों करूं भला, वो तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। बच्चों, हमने देखा कि दुकानदार की कथनी और करनी है उसमें समानता नहीं दिखाई देती, उसमें असमानता दिखाई देती है, क्योंकि उसने सज्जन इंसान को वाहन पार्क करने की जगह पर स्कूटर खड़ा करने को कहा और अपने ही बेटे के लिए वह सूचना नहीं दी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। पर ये बड़ी बड़ी बातों का जब उन्हें खुद पालन करना पड़ता है तो ये सारी बातें हैं वो व्यक्ति है वो भूल जाता है। और एक उदाहरण, एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिन एक व्यक्ति है, उसके घर उसके मित्र है उसे मिलने आते हैं। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे।
दोनों मित्र है वो बातचीत करने में मग्न हो गए थे, एकलीन हो गए थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों मित्र है वो बातचीत में मग्न थे तभी किसी ने दरवाजा आकर खटखटाया, आवाज लगाई दरवाजे पर। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा कि कौन है। बाहर मकान मालिक खड़ा था। बाहर है वो मकान मालिक जिसके घर में वो किराएदार के तौर पर रह रहा था। उस मकान मालिक बाहर है वो खड़ा रहा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। मकान मालिक है वो इस व्यक्ति के पास घर का किराया लेने आ रहा था, किराया यानी कि भाड़ा लेने आ रहा था, क्योंकि उस सज्जन इंसान ने 4 महीनों तक अभी तक किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक है वो बार बार किराया लेने आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को समझा कर बाहर भेजा। उस सज्जन इंसान ने बारी से झांक लिया कि बाहर कौन है, और उसे पता चला कि बाहर मकान मालिक है वो किराया लेने आया है। तो उसने अपने बेटे को समझा कर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, बच्चे को उस इंसान ने समझा कर बाहर तो भेज दिया। तब मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ, कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। मकान मालिक है उसने उस बच्चे से कहा कि बेटे, तुम अपने पिताजी से जाकर कहो कि मकान मालिक जी आए हैं और वह किराया लेने आए हैं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। बच्चे ने तपाक, तपाक यानी तुरंत, बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चों, आप जानते ही होंगे कि बच्चे हैं वो बड़े ही निर्दोष होते हैं। वो जैसा आप उसे सिखाओ वैसा ही वो सीखते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बच्चे ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है, क्योंकि बच्चे को पिताजी ने समझा कर बाहर भेजा था कि बाहर है उसे कहो कि पिताजी घर पर नहीं है। और ऐसी ही बात बच्चे ने मकान मालिक को भी कह दी कि पिताजी घर पर नहीं है, ऐसा वह कह रहे हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। बच्चों, हम भी हंसने लगते हैं। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। घर के अंदर जो मित्र आया था मिलने, उसके मुख पर भी मुस्कान आ गई कि बच्चा कैसा निर्दोष है, वो जैसा सिखाया वैसा ही बोला। इसलिए सभी को मुस्कान आ गई। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। जिसे देखकर वे सज्जन, वे इंसान जिसने सिखाया था कि पिताजी घर पर नहीं है, वो इंसान है वो पानी पानी हो गए। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा आता है, पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत ही लज्जित हो जाना, बहुत ही शर्मिंदा हो जाना। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था। एक सज्जन ने अपने पोते, पोते यानी कि बेटे का लड़का होता है उसे पोता कहा जाता है, तो उसने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम हो वो गलत इरादे से, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से काम करने से कभी भी उसमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए हमें कोई भी काम है वो गलत तरीके से, गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, ऐसा दादाजी है वो अपने पोते को कह रहे हैं। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सदा हमारी बारी आए ऐसी प्रतीक्षा राह देखनी चाहिए। एक दिन की बात है, अब दादा है उसने अपने पोते को ऐसा सिखाया, मगर एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। वह है वो जल बिजली के बिल जमा कराने गए, यानी कि उसे जल और बिजली का बिल है, उसके पैसे है वो हमें देने होते हैं, तभी हमारे घर में जल और बिजली आती है। तो दादाजी है वो बिल है वो जमा कराने जाते हैं। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, और साथ साथ वह अपने 8 वर्ष के पोते को भी जल और बिजली का बिल जमा कराने ले जाता है। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर, बच्चों कतार, कतार यानी कि पंक्ति,
पंक्ति यानी कि लाइन, सब लोग लाइन में खड़े रहते हैं, उसे कतार कहते हैं। बच्चों हम देखते हैं कि ट्रेन में हम जाते हैं तो वहाँ टिकट लेने के लिए कतार होती है, बस में जाते हैं तो बस की टिकट लेने के लिए कतार होती है, सर्कस देखने जाते हैं तो सर्कस देखने के लिए कतार होते हैं, कई बार कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो दुकानों पर भी कतार देखने को मिलती है, बड़े बड़े मंदिरें होते हैं वहाँ दर्शन के लिए भी कतार होते हैं, लाइट पानी का बिल भरने के लिए भी कतार देखने को मिलती है, सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा की टिकट लेने की भी कतार होती है। तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं जगहों पर हमें कतार में खड़े रहना पड़ता है। उसी तरह ये पोता और दादाजी है, वह जल और बिजली का बिल भरने जाते हैं और बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर भी कोई उपाय सोचने लगते हैं। दादाजी है वो देखते हैं कि बिल जमा करने की तो बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी पंक्ति है, कतार है, तो मैं कोई उपाय सोचूं ताकि मुझे इस लंबी लाइन में खड़ा न रहना पड़े। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, उसने सब लोग जो कतार में खड़े थे उसे ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, आगे ही उसे कोई पहचान वाला व्यक्ति है वो नजर आता है, वे तुरंत उसके पास गए, वो तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। बेटा उस व्यक्ति है जो उसे पहचानते थे उसके पास गए और कहा कि बेटा तुम यह बिल है तो अपने घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो, लो इसके पैसे भी तुम जमा करवा दो। वह व्यक्ति था वो कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। वो व्यक्ति अपनी सफाई के बारे में कुछ बोले उससे पहले ही दादाजी ने वह बिल और राशि, राशि यानी कि रकम, पैसा पैसा है, वह उस व्यक्ति को दे दिए ताकि दादाजी को लाइन में खड़ा न रहना पड़े। और वह व्यक्ति है उसकी बारी अब आने ही वाली थी और जल्दी बिल है वो भरा जा सके, इसलिए दादाजी ने उस व्यक्ति को बिल और राशि, राशि यानी कि पैसे दे दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए और एक कोने में वह दादाजी है वो खड़े हो जाते हैं। पोता बार बार कहने लगा, पोता है उसे याद आया कि दादाजी ने तो मुझे सिखाया था कि कभी भी हमें कोई काम है वो गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, इसलिए पोता है वो बार बार कहता है, दादाजी लाइन में लगिए ना। वह अपने दादाजी को समझाता है कि दादाजी आप लाइन में रखिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, सब लोग है वह दादाजी की बात है वो समझ जाते हैं कि लाइन में खड़े न रहने के लिए दादाजी ने उस व्यक्ति को बिल व राशि दी है और बोला कि आप घर पर ही बिल भूल आए, इसलिए यह सारी बात है, सच बात है, वो लोगों को पता चल जाती है और सब लोग है वह हंसने लगते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आदर्श यानी कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है, पर उन्हें आचरण में नहीं लेते, उसे निभाते नहीं, इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण यानी कि ऐसा व्यवहार, जो बड़ी बातें करते हैं उसे ऐसे बड़े कार्य भी करने चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं मगर उसे अपनाते नहीं, उस यह आचरण है, यह व्यवहार है, वो अच्छी बात नहीं। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता। बच्चों ऐसा आचरण यानी कि ऐसा व्यवहार करने वाले को कभी सम्मान मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। हमने देखा कि दादाजी की हंसी हुई, मकान मालिक के द्वारा उस सज्जन व्यक्ति की हंसी हुई, तो जब हम जो कहते हैं उसका पालन वह हम नहीं करते तो जग में हमारी हंसी उड़ाई जाती है, इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसलिए हमें हमेशा कथनी यानी कि जो हम कहते हैं वो, और करनी यानी कि जो हम काम करना है वो करनी, उसमें सदैव, सदैव यानी कि सदा के लिए, हमेशा के लिए
समानता होनी चाहिए, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमें कर दिखाना चाहिए। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता सब सम तब सम्मान। हो कथनी करनी एक समान, जब हमारी कथनी यानी कि जो हम बोलते हैं वह, और करनी एक समान, करनी यानी कि जो हम काम करते हैं, हम जो काम करते हैं वह और जो हम बोलते हैं वो एक समान होता है, तभी जग में मिलता तब सम्मान, तभी हमें जग में सम्मान यानी कि मान सम्मान मिलता है। बच्चों, वीरों और सज्जनों के द्वा का काम है कि वह जो बोलते हैं वही कर पाते हैं। बच्चों, डरपोक लोग होते हैं वो कभी कथनी और करनी एक समान नहीं रख सकते। अगर हम दुनिया में कथनी और करनी एक समान रखेंगे तभी दुनिया में हमारा मान सम्मान है वो बढ़ेगा। यही बात है वह हम इस एकम से सीखेंगे। जय स्वामी नारायण।